मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृहद ऋण मेला के अंतर्गत 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ का ऋण वितरण और वार्षिक ऋण योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़, सिद्धार्थनगर सहित 5 जिलों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया और लाभार्थियों से उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। वहीं NIC सभागार में 5 लाभार्थियों को राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश द्वारा 46 लाख रुपए के लोन का चेक वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के पहले इस तरह का मेला आयोजित करना पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन 2017 में जब भाजपा की सरकार आई तो बहुत सी चुनौतियां थी। देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में युवाओं के स्वावलंबन का विषय बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। पहले की सरकार केंद्र की योजनाओं में किसी तरह की रुचि नहीं लेती थी और लुप्त हो रही थी। योजना के लिए भी कोई रुचि नहीं थी, कार्यों को करने में उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। 2017 में सरकार बनने के बाद एक जनपद एक उत्पाद की कार्य योजना बनाकर काम शुरू किया गया। इस समय 1,56,000 करोड़ के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने कौशल का परिचय दिया है, जिसमें बैंकर्स ने सहयोग किया है। हमने बेरोजगारी को 3% कम कर दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, इसको आज की डिमांड के रूप से हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी पूरी टीम को कैसे बधाई देता हूँ। और ये नजर चाहता हूँ हमारे पास जो है फायदा कर रहे थे सर, हमारे यहाँ जो मशीनें अभी नहीं थी तो ये अपने आपको प्रदर्शन कर सकते हैं सर। ये एक ऐसी चीज हमारे पूर्वजों ने, जिन लोगों ने बुनकरी के क्षेत्र में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था, कभी उन लोगों ने ये कला सीखी होगी या इस की जब बात होती है तो वहाँ पे सीतापुर का नाम जरूर आता है और सीतापुर की दरी पूरे देश के अंदर बड़ी विख्यात है। लेकिन एक समय के बाद ये पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण सभी चीजें एक प्रकार से लुप्त प्राय सी हो गई थी। आज फिर से इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर जोड़ा बिजनेस के साथ बनाया जा रहा है, जिससे आपको नई तकनीक मिल सके, मार्केट मिल सके, पैकेजिंग के साथ आपको जोड़ सके और भी सुविधाएं इसके साथ जोड़ सके, बैंकों के साथ आसानी से जोड़ने में भी योगदान दे सके। इसीलिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर इसीलिए स्थापित किया गया है। उन कितने बुनकर होंगे जो है आपके सीतापुर में इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े थे सर? 1,000 के से कुछ ज्यादा ही है सर, 1,000 से ज्यादा बुनकर हमारे बुनकर वेलफेयर सोसाइटी है, सोसाइटी के साथ में सर बुनकर जुड़े हुए हैं सर। अच्छे ढंग से धैर्य के साथ आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई भी देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। माउस लेकर आए, माउस Amazon की हमेशा से छोटे और मझले व्यवसायों को टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स से सशक्त करने की कोशिश रही है। Amazon के सारे इन्वेस्टमेंट्स उनकी तरक्की को रफ्तार देने पर केंद्रित हैं। 2020 में पहले Amazon संभव समिट में Amazon ने 1 करोड़ छोटे और मझले व्यवसायों को डिजिटाइज करने का संकल्प लिया था और इसी दिशा में एक जरूरी कदम बढ़ाते हुए Amazon ने कानपुर में Amazon डिजिटल टीम की स्थापना की। इस कार्यक्रम में इस MOU के आदान प्रदान के बाद अब समय है लोग RS Enterprises के प्रोप्राइटर रॉबिन जैन जय कुमार गुप्त जी का क्या तैयार रहे हैं। प्रगति मार्बल्स के राजेश सिंह वृहद लोन मेला कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित, प्रदेश सरकार ने नरेश सहयोगी मंत्री, वित्त संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम पत्रकार वस्त्र उद्योग विभाग के मंत्री
राकेश सदान जी, अगर किन्हीं कारणों से कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए राज्य सरकार एक संबल बनकर के उसके साथ खड़ी होगी और उसे हर प्रकार से मजबूती प्रदान करेगी। लेकिन इसके लिए हम नई योजना लेके आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं को लेके आ रहे हैं। परिवार कार्ड हम जारी करने जा रहे हैं। जिन परिवारों ने अब तक कोई सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त की, जिन लोगों ने कहीं भी कोई नौकरी और रोजगार जिन परिवारों ने नहीं प्राप्त किया, बहुत शीघ्र उसकी मैपिंग की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ होने जा रही है और हमारा प्रयास होगा कि कम से कम हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ सरकार आगे बढ़ने जा रही है और उसमें बैंकर्स की भी एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। हमारे उद्यमियों का, कारीगरों का, हस्तशिल्पियों का, परंपरागत जो उत्पाद हैं, इन सभी की एक बड़ी भूमिका होगी और इस दिशा में आप सबका आह्वान करूंगा कि हम अगले एक वर्ष के दौरान प्रयास करें कि यूपी के सीडी रेशो को हम लोग 53 से बढ़ाकर के 55 तक पहुंचाने में योगदान दे सके और अगले 5 साल का एक लक्ष्य तय हो कि हम इसको 60% तक पहुंचाने में भी हम इसको आगे बढ़ा सकें। यानी यह कर्म दर कर्म आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो लोगों के मन में विश्वास बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति भी बढ़ेगा। आज अक्सर मेरे पास नौजवान आता है, कहता सा हम दो कमियां मैं देखता हूं और मैं बार बार अपनी संस्थाओं से इस बारे में कहता हूं कि शासन की योजना जिनके लिए बनाई जाती है उनको योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती। कारण है हमारी शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं एक प्रकार का तटस्थ भाव रखती हैं शासन की योजनाओं से। उनके लिए अनिवार्य होना चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोगों की इच्छा होती थी कि यहां पे बैंकों से जो लोन दिया जाना चाहिए अधिक संख्या में दिया जाना चाहिए, लेकिन किनको दिया जाना चाहिए किसी को पता ही नहीं था। क्या होना चाहिए, इसका रेशियो क्या होना चाहिए, यह भी नहीं मालूम था। इस सीडी रेशियो को भी राज्य सरकार ने जब अभियान चलाया, बैंकर्स के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने लोन मेला आयोजित किया था। पहला लोन मेला उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था, पूरे देश के लिए वो एक मिसाल बनी थी कि कोरोना में तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लोन मेला हम लोगों ने तब भी आयोजित किया था और आज हमारा सीडी रेशियो 46% से बढ़कर के लगभग 53% प्राप्त कर रहा है। यानी एक सकारात्मक पहल किस रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने देखा होगा जिन उद्यमियों से मैं बात कर रहा था, जिन कारीगरों से मैं भी बात कर रहा था, ये कोई बहुत बड़े स्तर पर ऐसा नहीं कि इनके पास खानदानी पूंजी रही हो, इन लोगों ने अपने स्तर पर मेहनत की, अपने स्वावलंबन का रास्ता स्वयं बनाया और आज किसी ने अलग अलग यानी सभी ने अपने अपने स्तर पर अपने तरीके से कार्य आगे बढ़ाया। स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया, बैंक उसके साथ जुड़े, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का उन्हें समर्थन रहा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद की वित्त पोषण की योजना और भी अनेक ऐसे जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जब सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए तो आज आप देख रहे होंगे उनके चेहरे पर एक चमक है, एक नई चमक कि वे भी अपने पैरों पर न केवल खड़े हो सकते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और प्रेरित करने की ये परंपरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा नौजवान आखिर कैसा नौजवान होना चाहिए, यह नौकरी के लिए भटकता हुआ नौजवान होना चाहिए या नौकरी देने वाला होना चाहिए, और मुझे लगता है इन योजनाओं ने नौकरी देने वाला नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर दे दिया है। ये ODOP की योजना अपने आप में एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश में जितना मैन पावर आपको मिलेगा, जितना माननीय मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद और आज के इसमें
बजेश सिंह विकास में योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय गत वर्ष प्रदेश में बैंकों द्वारा अध्यक्ष प्राप्ति का विवरण लीड बैंक से श्री बजेश सिंह जी ने कार्यक्रम की शुरुआत में दिया है। हम आपको आश्वासन देते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से ही लगातार रोजगार को लेकर बहुत जागरूक है और आज उसका फल है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर देश के सभी राज्यों के मुकाबले में बहुत कम है। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर सिर्फ 2.9% है, अर्थात 100 में सिर्फ 2.9% ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जबकि देश के ढेर सारे अन्य प्रांतों में स्थिति बहुत भयावह है। राजस्थान जैसे प्रांत में 28% की बेरोजगारी है। यह इसलिए है क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार नागरिकों को विभिन्न माध्यमों से स्वरोजगार देने का, उन्हें स्वयं संसाधन विकसित करने का और अपने संबल अपने बल के आधार पर अपनी विकास करने के रास्ते दिखा रही है। हमने MSMEs को करीब करीब 1,61,00,000 रोजगार दिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट को हमने करीब 25,00,000 का रोजगार दिया। सरकारी नौकरियों में तकरीबन 3,50,000 रोजगार दिए और स्वरोजगार के आधार पर हमने 5,00,000 रोजगार क्रिएट किए हैं। और अभी हम एक योजना लेकर चल रहे हैं जब हम इस प्रदेश के 50,00,000 नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार के आभारी हैं जो समाज की जो मूलभूत आवश्यकता है रोजगार आए उसके लिए वो प्रयासरत है।